हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ इंडिया स्वीडन के। तो आज हम ओला पार्टनर ऐप के बारे में ऐप रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरह से आपको जो है ऐप में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो है कैसे आपको उसके ऑपरेटिंग को समझना है, ऑप्शंस को कैसा जो है उसके आपको हर ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के ज़रिए से दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद अभी आप हम शुरू से जो है इसमें आ जाएंगे, शुरू से आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ओला पार्टनर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में जैसे आप इतना भी टाइप करेंगे तो चल जाएगा आपको ओला पार्टनर मिस कॉल नंबर बोल के देगा। तो जैसा ही आप टाइप कर लेंगे, करने के बाद जो है फर्स्ट साइड दिखेगी आपको यहाँ पर नीचे ओला पार्टनर पेट्रोल पोर्टल एंड ओला कैब्स बोलकर दिखाई देगा। तो वहाँ पर आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है पोर्टल पर। पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो जिस नंबर से आप ओला में रजिस्ट्रेशन की है उस नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं अपना नंबर जो है इंटर कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया अपना नंबर इंटर। उसके बाद हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसा ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा। यहाँ पर नीचे जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ही हम डाउनलोड होने के बाद आपको ऐप में किस तरह से लॉगिन करना है उसके बाद का अगला स्टेप बताएंगे। तो देखिए हमारा ऐप अभी डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम अभी किस तरह से लॉगिन करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से दिखाएंगे आपको नेक्स्ट। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, ये कर लिया हमने ओपन। ओपन करने के बाद आपको जो है सारी सर्विसेज को अलाउ करने के लिए कहेगा। तो अलाउ परमिशन पे क्लिक करिए। यहाँ पर जो है ओला पार्टनर अला टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स अलाउ कर देना है उस पर। यहाँ पर परमिशन मांगा है टू यूज़ दिस ऐप काइंडली एनेबल सेटिंग बोलकर बताया। तो यहाँ पर जो है आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन आएगा कि जो है यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो हमको अभी लॉगिन करना है। अभी तक आपने जो है मेरा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ओला पार्टनर बाइक हो या ऑटो हो तो उसका वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप कर ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर जो है लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा, अलाउ परमिशन पर दूँगा मैं। जैसे ही आप होम पेज पे आ जाओगे तो अपना आपको नंबर यहाँ पर एंट्री करना है। तो चलिए हम अपना नंबर इंटर करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको जो परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना है आपको। यहाँ पर लोडिंग होगा आपको। लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा ओटीपी का। हाँ, यहाँ पर जो है 6 डिजिट का जो है ओटीपी नज़र आएगा आपको, ये इंटर कर लेना है आपको, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको अगर कार है, बाइक है, ऑटो है तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिखाई देगा। अगर आपने खाली आपकी बाइक की आईडी है तो यहाँ पर बाइक की आईडी दिखे शो करेगी। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो है 4 डिजिट का जो है आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जो है यहाँ पर इंटर करना है आपको। ये हमने एंट्री कर लिया, ये हम कम्प्लीटली ओला पार्टनर ऐप में लॉगिन हो चुके हैं।
तो देखिए इस तरह का जो है डैशबोर्ड आ जाएगा, ऊपर जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन रहेगा, लेफ्ट साइड पे आपको बुकिंग काउंटिंग, नीचे ऑपरेटर बिल। उसके बाद जो है सबसे नीचे आएंगे तो आपको अकाउंट्स दिखाया जाएगा और इंसेंटिव, पार्टनर केयर और आपको मोर। यहाँ पर जो है ऐप को अपडेट कर लेना है आपको। हाँ, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर और एक बार और अपडेट्स आएंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। अकाउंट्स में जो है आपको क्या क्या जो है आपको फैसिलिटीज़ रहेंगी, मतलब आप दिन भर में जितनी भी अर्निंग्स करते हैं इसमें आपका सारा डेटा जो है शो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, ये यहाँ पर करंट बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर करंट बैलेंस या माइनस आपको जो जो भी रहेगा, आपको बैंक ट्रांसफ़र हो गया तो सब यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देगा। चलिए होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर इंसेंटिव में आएंगे तो आपको इंसेंटिव में पर डे जो है कितना इंसेंटिव रहेगा, कितने बुकिंग पर रहेगा और जो है आपको अमाउंट कब तक क्रेडिट होगा आपको जो है बताऊँगा इसमें। तो आपको जो है यहाँ पर अभी इंसेंटिव अर्निंग्स के बारे में बता रहा हूँ, तो डेली बुकिंग इंसेंटिव, तो यहाँ पर जो है आपको सुपर पिक ओवर, मतलब यहाँ से पाँच बजे से शाम में 8 बजे तक आपको जो है, अगर आप 0 से 4 बुकिंग करते हैं तो 0 इंसेंटिव, 5 से 9 बुकिंग करते हैं तो 20 रुपीज़, 10 to 14 बुकिंग करते हैं तो 15, 15 to 19 बुकिंग करते हैं तो 80, अगर 20 to 24 करते हैं तो 200, 25 बुकिंग करते हैं तो 250 रुपीज़ इंसेंटिव आपको मिलेगा। फिर बैक आ जाते हैं हम डैशबोर्ड के पास। तो आप यहाँ पर देखिए हम ऊपर के साइड, यहाँ पर देखो आपको कार का लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी बाइक का जो है बाइक दिखेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी, गो टू, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप जो है ऑफ ड्यूटी में हो, ऑन, जैसे ही आप ऑन ड्यूटी करोगे तो आपको जो है बुकिंग मिलना शुरू हो जाएंगे। गो टू यानी आप अगर जो है अपने घर से काफ़ी दूर हो तो आपको जो है घर के तरफ की बुकिंग के लिए मिलने के लिए गो टू का जो है इस्तेमाल करना है ज़रूरी है, ताकि आप खाली 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 एम्प्टी ना आए, घर के करीब करीब की जो है बुकिंग गो टू जो है अप्लाई करने पर आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हम पार्टनर केयर पर जो है, यहाँ पर अभी इंसेंटिव के बारे में बात हो गई, अकाउंट्स के बारे में बात हो गई, अब हम पार्टनर केयर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पार्टनर केयर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा आपको, यहाँ पर ट्रिप इश्यू एंड एडजस्टमेंट, आई वांट टू नेविगेशन टू द नियरेस्ट सेफ्ट सेंटर, और यहाँ पर नियर में आपको नीचे आपको नियर बाय न्यू डिमांड एरिया दिखाई देगा, पार्टनर ऐप नॉट वर्किंग बोलकर जो है ऑप्शन दिखेगा, अर्निंग रिवॉर्ड्स रिफरल और यूजिंग द ओला ऐप अकाउंट्स को, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जो है हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अगला स्टेप जो है आपको मोर पर दिखेगा। जब जैसे ही आप मोर पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है आपकी प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर आने के बाद उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर से आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगा, मोबाइल, ये सेकेंड ऑप्शन पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जित और यहाँ पर देखिए गो टू यहाँ पर है, गो टू है और करेंट एड्रेस हैदराबाद है, आपके बैंक डिटेल्स में बैंक डिटेल्स रहेंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, कार डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें जो है लैंग्वेज, अगर आपकी ऐप में जो है बाज़ वक़्त इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो आपको यहाँ पर SMS एंड ट्रेनिंग लैंग्वेज बोल कर देगा, तो यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश पे क्लिक कर ऊपर राइट साइड पर जो है सेव बोलकर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेव बोलकर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आई होप कि जो है आपको जो है सारा वीडियो समझ में आ गया होगा।
अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें। आपको कोई वीडियो कैसा समझ में आया, कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट के ज़रिए से हमें बताइए, ताकि हम आगे चलकर आप लोगों की अच्छी से अच्छी जो है हेल्प कर सकें, आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे जॉब जो है लाकर जो है रख सकें। किस कंपनी में काम करना सही रहेगा, किस कंपनी में काम करना सही नहीं रहेगा, उस कंपनी के आप अगर चाहते हैं कि किसी और कंपनी का रिव्यू करें तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जाकर है मुझे कमेंट कर सकते हैं, या ना तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना मोबाइल नंबर, मेल आई डी, व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वैसा भी जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता है उतनी आपकी मदद करता हूँ और हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कम से कैसा भी यहाँ से करना। ओके, अब तक के थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए सी। और अब नेक्स्ट जो है हम अगला वीडियो डोंजो के ऊपर बनाने वाले हैं, नेक्स्ट आपके संडे बनाऊंगा इंशाल्लाह।